सो आप सबने सुना होगा कि सलमान खान अपनी NFT लॉन्च कर रहे हैं, एंड अब आप शायद इस वीडियो पे इसलिए हो क्योंकि यू वांट टू नो डिटेल्स ऑफ दिस NFT और NFT एग्जैक्टली होता क्या है एंड कैसे ये NFT को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो व्हाट इज सलमान खान NFT? सो फ्रेंड्स, सलमान खान ऑन हिज ट्विटर रिसेंटली अनाउंस दैट ही इज लॉन्चिंग हिज NFTs एंड इसके डिटेल्स अवेलेबल हैं bollycoin.com पे। एज पर दिस वेबसाइट ये NFT दिसंबर 2021 में लॉन्च हो रहे हैं, बट इन NFTs में क्या होगा? इसमें होंगे मूवीज के डायलॉग्स, पोस्टर्स, ट्वीट्स और भी ऐसा काफ़ी कुछ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फैन ऑफ सलमान खान और बॉलीवुड मूवीज, यू वुड हैव श्योरली हर्ड दिस डायलॉग। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। अब ये डायलॉग बोलते तो सब हैं, बट इमेजिन आप इस डायलॉग के ओनर हो जाओ। आई थिंक सलमान भाई के फैंस के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बट ओनर बनोगे कैसे? ओनर बनोगे आप बाय ओनिंग द NFT, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि भाई ये नॉन फंजिबल टोकन क्या है। तो समझते हैं, नॉन फंजिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ यूनिक एंड वो किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकती। ये डायलॉग के केस में डायलॉग तो डिजिटल है, कोई भी सुन सकता है, कॉपी पेस्ट भी कर सकता है एंड इवन बोल तो सकता ही है, बट इसका ओनरशिप का सर्टिफिकेट और इस केस में टोकन यूनिक होगा एंड जिसके पास भी ये टोकन होगा वो उसका ओनर कहलाएगा। तो ये तो होता है नॉन फंजिबल टोकन, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल पे NFT के रिगार्डिंग और वीडियोस देखो सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर। अब जो भी ये NFT टोकन का ओनर होता है उसके पास क्या राइट्स होते हैं, वो क्या कर सकता है इस NFT से एंड ये कॉपीराइट से कैसे अलग है, उसके लिए मेरा ये वीडियो देखो, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। अब ये तो समझ आ गया कि सलमान खान NFT लॉन्च कर रहे हैं एंड वो क्या है, बट वट इज़ बॉलीकॉइन एंड कैसे रिलेटेड है सलमान खान की NFT से? What is Bollycoin? As per the website, Bollycoin is a utility token for buying NFTs related to Bollywood. Basically, ये एक type की currency होगी जो इस ecosystem में काम करेगी। अगर आपके पास Bollycoin होगा तो आप Bollywood के NFT project जैसे कि अभी सलमान खान के NFTs को खरीद सकते हो। For example, सलमान भाई के dialogue का जो NFT है उसकी value Bollycoin में होगी maybe 100 Bollycoin। ना अगर आपको ये देखना है कि इंडियन रुपीज़ में या कोई करेंसी में इस डायलॉग NFT की वैल्यू कितनी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ 1 बॉलीकॉइन ऑन एक्सचेंज, जो अभी है $0.1। तो आपकी इस डायलॉग NFT की वैल्यू होगी 100 × 0.1, दैट इज़ $10। ये जस्ट एग्जाम्पल है, जैसे जैसे लोग बॉलीकॉइन एंड NFTs को लेने लगेंगे इनकी वैल्यू बढ़ेगी एज NFTs एंड बॉलीकॉइन दोनों ही लिमिटेड सप्लाई में रहेंगे। बट इसके साथ इसकी टीम ने कुछ और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लॉन्च किए हैं। फर्स्ट, ये क्लेम करते हैं कि जो भी NFTs बिकेंगे उसके प्राइस के 10% इक्विवेलेंट बॉलीकॉइन सारे बॉलीकॉइन ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ कॉइन्स दे ऑलरेडी हैव, तो आपकी पैसिव इनकम भी होगी इससे। सेकेंड, जब भी कोई NFT रीसेल होगा उसका भी 5% वैल्यू सारे बॉलीकॉइन होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट व्हाट्स द कैच? कैच ये है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड बॉलीकॉइंस मिलेंगे उससे आप सिर्फ बॉलीकॉइन के लिस्टेड NFTs ही ले सकते हो। थर्ड, एक और एडवांटेज होगा बॉलीकॉइन होल्डर्स को, उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अरे ये वाले वोटिंग राइट्स नहीं भाई, आपके पास पहले से ही हैं अगर आप 18 साल से ऊपर हो। बट बॉलीकॉइन के केस में आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे टू वोट फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स फॉर द NFTs एंड इन प्रोजेक्ट्स को आप लेते हो तो आप भी फ्यूचर में इसका बेनिफिट ले सकोगे। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बॉलीकॉइन टीम ने ही दिया है कि कैसे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में हो सकते हैं। राइट नाउ फिल्म प्रोड्यूसर डिसाइड्स विच फिल्म माइट बी लाइक्ड बाय ऑडियंस, किस पे पैसा लगाएं किस पे नहीं, एंड देन जब वो फिल्म बनती है उसका प्रॉफिट भी वो प्रोड्यूसर्स लेते हैं। बट अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल है कि डायरेक्टर्स और राइटर्स कैन रीच टू क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, इस केस में बॉलीकॉइन होल्डर्स, एंड देन शो देम मे बी 3 ट्रेलर्स ऑफ डिफरेंट फिल्म्स। द फिल्म विच गेट्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस विंस एंड नाउ सपोज 1000 यूजर्स ओन दिस फिल्म्स NFT। जब भी ये फिल्म बनेगी उससे जो भी प्रॉफिट्स होंगे सारे 1000 NFT होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं एंड ये इनिशियल इन्वेस्टर्स इन NFT के फ्रैक्शंस को रीसेल भी कर सकते हैं टू मेक मोर प्रॉफिट्स।
कुछ कुछ जैसा स्टॉक मार्केट्स में होता है। सो आई होप आपको सलमान खान NFT एंड बॉलीकॉन के बारे में समझ आया होगा। यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स ऑन bolicon.com वेबसाइट अबाउट दिस प्रोजेक्ट। बॉलीकॉन टोकन आप भी ले सकते हो, बस आपको USDC या ईथर चाहिए इन योर कस्टोडियल वॉलेट लाइक मेटामास्क। और इन केस आपको ये प्रोसेस नहीं पता है कैसे होगा तो मुझे कमेंट में बताओ, मे बी आई कैन शेयर ए कम्प्लीट वीडियो अबाउट हाउ टू बाय दिस टोकन। बट एक बात याद रखना, इन्वेस्ट वट यू कैन लूज, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है। बॉलीकॉइन अभी किसी भी एक्सचेंज पे नहीं है, तो आप कितना और कैसे इसे सेल कर पाओगे ये भी क्लियर नहीं है, तो बस थोड़ा ध्यान से। आई एम ब्रिंगिंग सिमिलर वीडियोज ऑन NFTs ऑन दिस चैनल। इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज सुखनीत सिंह साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीडियो।